नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात के अंदर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम हमारे कंपनी के टेक्नीशियन भाई मनोज भाई से आपको ये सेटिस्फाई करेंगे कि प्लव चलाने से पहले किन किन बातों का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस तरीके से प्लव के सेटिंग करनी चाहिए। तो मैं संपूर्ण जानकारी आपको हमारे कंपनी के टेक्नीशियन भाई मनोज भाई द्वारा पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों तो मनोज भाई, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि मतलब प्लव चलाने से लेके तो पूरा ट्रैक्टर के अंदर कितने पे उसे सेट करना चाहिए, कहाँ कहाँ सावधानी का ध्यान रखना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसानों को। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे प्रभात कृषि पे। तो मैं आज आपको थोड़ा सा प्लाव की सेटिंगों के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिसमें अपने को सावधानी रखना है और सावधानी से आपको चलाना है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, ट्रैक्टर अटैचमेंट करने से पहले जो जो चीज़ है वो चीज़ चेक कर लेना क्या है क्या नहीं। अपन ने सबसे पहले प्लाव अटैचमेंट तीनों लिंकेजेस पे कर लिया। उसके बाद आप अपने को मेल फीमेल लगाना है। तो सबसे पहले एयर की व्यवस्था प्रॉब्लम होती है, एयर नहीं आ रही है, एयर कंटिन्यू काट रही है। तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बंद करके आपको एयर ड्राफ्ट लेवल को आगे पीछे करना पड़ेगा, जिससे क्या रहेगा कि आपके मेल फीमेल बाल को आपके आसानी होगी लगने में, निकालने में आसानी होगी। इससे ये रहेगा कि आपको एक आदमी निकाल लेगा, इसमें एयर नहीं आएगी, जिससे क्या एयर का कण होता यह है, एयर आने पे आदमी परेशान हो जाता है, नहीं लग रहा है वो आपको यहाँ बोल्ट या ये बोल्ट अपना एक दे रखा पंप के अंदर, यह सेफ्टी बोल्ट लेगा, ये सेफ्टी बोल्ट को वो अधिकतर तोड़ लेता है, जिससे टूटने के बाद ये काम करना बंद ही कर देगा। तो एयर ना आए, सबसे आसान तरीका यही है कि आप जब भी मेल फीमेल वाले उसको अटैचमेंट करो, निकालो या लगाओ, ट्रैक्टर बंद करके इसको दो तीन बार आगे पीछे कर दिया करो बंद ट्रैक्टर में, जिससे आपकी एयर विड्रॉल हो जाएगी। अब रही आपको लिंकेजेस लगाने की, आपको ये टांग लोअर लिंग बोलते हैं, लोअर लिंगों को आपको लोअर लिंग लिंकेजेस अपन ने अटैचमेंट कर लिया। हमेशा ये ध्यान रखना आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ के लिंकेजेस बिल्कुल सेम बराबर होना चाहिए, इसकी हाइट और इसकी हाइट लेवलर की हाइट दोनों सेम रहेगी तो ही आपका प्लाउ सही साट रहेगा, कम ज़्यादा रही तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। रही बात फिर आगे आगे चेक चेन की, आपको दोनों टायरों पे चेक चेन दे रखी है, ये सेफ्टी इसलिए दे रहे की है कि आपका इम्प्लीमेंट जब चलाएं तो आपका इम्प्लीमेंट एक तरफ खिंचाव ना करे, कम ज़्यादा होगी तो खिंचाव करेगा। इसका तरीका ये है, आप इम्प्लीमेंट को पूरा उठा लें, लिफ्ट कर लें, उसके बाद चेक चेन को दोनों चेक चेनों को बराबर टाइट कर लें। दोनों को बराबर टाइट करने के लिए ध्यान रखें आपके प्लाव का ये वाला चेक नट जो है अपनी पीटीओ शाफ्ट के बिल्कुल जस्ट सामने हो, जिस टाइम आप चेक चेन टाइट कर रहे हैं आपने चेक चेन टाइट करने के बराबर पे ले लेना। बराबर पे लेने के बाद चेक चेन जब फुल टाइट हो जाए तो दो चूड़ी इधर से डीली कर देना, दो चूड़ी इधर से डीली कर देना। आपको ये करने से क्या रहेगा, आपका मूवमेंट आपका इम्प्लीमेंट का सिर्फ एक इंच दो इंच इधर जाए और दो इंच इधर आए, राइट हैंड दो इंच लेफ्ट हैंड दो इंच, उसके बाद ही आपका इम्प्लीमेंट सही साइड चलेगा। फिर भाई अपने टॉप लिंक की बारी आएगी, टॉप लिंक एडजस्टमेंट ये होती है, आपको एडजस्टमेंट करेंगे, आप इसको फुल टाइट करके चलाएंगे या टाइट करके चलाएंगे तो आपको आगे की पर लगेंगी, आगे का सब्बल ज़्यादा लगेगा पीछे का नहीं लगेगा। आप इसको ज़्यादा ढीला करके चलाएंगे तो आपको फिर पीछे की लगेगी, पीछे के पास लगेगी, आपको आगे के पास कम लगेगी, जिससे आपकी नालियाँ बनेगी और नाली बनने के साथ साथ आपको बिहारी हुए दिखेंगी। ये सब चीज़ का निजात पाने के लिए आपको टॉप लिंक को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ना तो इसे पूरी टाइट करके चला सकते हैं ना पूरी ढील करके चला सकते हैं, आपको बीच में एडजस्टमेंट करके टॉप लिंक चला। अधिकतर किसान क्या करता है, एम्प्लीमेंट चलाने के लिए फुट एक्सीलेटर का उपयोग करता है, जो पैर का एक्सीलेटर होता है। अधिकतर एम्प्लीमेंट चलाते टाइम फील्ड के अंदर ट्रैक्टर के अंदर आपको हैंड एक्सीलेटर दिया जाता है, अधिक से अधिक उपयोग आप हैंड एक्सीलेटर का ही करें। इससे क्या रहता है, आपके ट्रैक्टर का एवरेज चलने में और आपको ओवरहॉल होने में इसको कोई तकलीफ नहीं होती। आप फुट एक्सीलेटर से चलाएंगे तो टायरों पे, ट्रैक्टर पे, आपके इंजन पे और आरपीएम पे और डीजल पे, इन सब के ऊपर इसका भार पड़ता है फुट एक्सीलेटर से चलाने से। आप आ गए, अब आपने गियर सिलेक्ट कर लिया कौन से गियर में चला, अधिकतर प्लाव लो दूसरे या मीडियम दूसरे में चलता है, आपको प्लाउ लो दूसरे मीडियम में चलाना पड़ता है। फोर व्हील ड्राइव है तो उसको फोर व्हील में गियर में चलाना पड़ेगा, पर जब भी गियर रेशियो आपको कम में ही रखना पड़ेगा। अब आ जाओ उसके बाद अपने ड्रॉप कंडीशन पे, ये अपना पोजीशन लीवर होता है, सब ट्रैक्टरों में दो लीवर देते हैं, एक में पोजीशन और एक में ड्रॉप। आपको ड्रॉप का क्या करना है, जब भी सेटिंग करें
हर एक चीज का न्यूट्रल पॉइंट होता है, ड्राफ्ट का भी न्यूट्रल पॉइंट होता है, पोजीशन का भी न्यूट्रल पॉइंट होता है। आपने पोजीशन को तो पूरा ही जमीन पर गिरा देना, पूरे लीवर को गिरा देना। ड्राफ्ट लीवर से आपको न्यूट्रल से ये देखना है, आप नीचे करेंगे तो इसकी डेप्थ बढ़ेगी, ऊपर करेंगे तो गहराई कम होगी। इसलिए आप न्यूट्रल कंडीशन से आप उसको उतार रहा हो, कहां उतार रहा है, किस पॉइंट पे उतार रहा है, उस पॉइंट पे अपना इम्प्लीमेंट ट्रैक्टर चलना भी चाहिए, अपने को पर्याप्त गहराई भी मिलना चाहिए और अपने आरपीएम विड्रॉल नहीं होना चाहिए। उसी कंडीशन पे आपको ड्रॉप लीवर सेट कर देना। उसके बाद आपको ड्रॉप लीवर की पूरे खेत में एडजस्टमेंट नहीं करना है, आपको पूरा पोजीशन से इम्प्लीमेंट उठाना है और पोजीशन से ही गिराना पड़ेगा, जिससे आपके ट्रैक्टर पे भी लोड नहीं पड़ेगा, जिससे आपको चलाने में भी आसानी रहेगी। उसके बाद आप आ गए डिजिटल मीटर पे। आज अपने को हर उसमें डिजिटल मीटर दे रखा हुआ है, आपको क्या आरपीएम रखना है, कितने उस पर रखना है, आपको टेम्परेचर क्या रखना है, ये होता है अपना आरपीएम मीटर। आपको हैंड एक्सीलेटर से, अपने हाथ के एक्सीलेटर से आपको आरपीएम 12 से 15 के बीच में रखना है, 12 से कम नहीं होना, 15 से ओवर नहीं होना, आपको 13 14 15 15 के अंदर ही अंदर आपको आरपीएम चाहिएगा। क्यों चाहिएगा? कि जिससे अपने को इम्प्लीमेंट जो ड्रॉप करता है उसको धीरे भी चलना है, धीरे के साथ साथ चलने के साथ साथ अपना इम्प्लीमेंट ट्रैक्टर दबना भी नहीं चाहिए। इसलिए हम अधिकतर किसानों से यही कहते हैं कि अपना 15 पे रखोगे आरपीएम, 200 विड्रॉल होंगे तो वो अपने 1300 पे पहुंच जाएंगे, पर आप 1200 रखोगे तो फिर वो 1000 पे पहुंच जाएंगे। इससे क्या रहता है, फिर ट्रैक्टर को लोड लेने की ज़्यादा जरूरत पड़ती, थोड़ा डीजल खपत बढ़ जाता है। इसलिए किसानों भाइयों से यही है कि आप जब भी ट्रैक्टर चलाएं, हैंड एक्सीलेटर से चलाएं, आरपीएम बांध के चलाएं, इससे आपके ट्रैक्टर एवरेज ताकत और आपको इम्प्लीमेंट चलाने में सहूलियत रहेगी। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लाएंगे, फील्ड से संबंधित भी लाएंगे, कोई इम्प्लीमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है उससे संबंधित भी हम जाके फील्ड के ऊपर ही आपको वो वीडियो बना बना कर आपको सेंड करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कमेंट्स दीजिए, हम आपको आपको उसकी सुविधा अनुसार आपको उसकी जानकारी भी देंगे। धन्यवाद।